आज दोपहर को उल्लासनगर महानगर पालिका के सहायक आयुक्त गणेश सिप्पी की टीम ने उल्लासनगर रेलवे स्टेशन परिसर में अपने दल बल के साथ पहुंचे और कई दुकानों पर तोड़ू कार्रवाई की और मनपा की इस तोड़क कार्रवाई से हड़कंप मच गया। बता दें कि उल्लासनगर रेलवे स्टेशन के पास काफ़ी लोगों ने अवैध तरीके से दुकानें बनाई थी। यह दुकानें उनके फुट पटक तक ले आई थी, जिससे राहगीरों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही थी और रास्ता भी छोटा हो गया था। आदि बातों को देखते हुए मनपा आयुक्त सुधाकर देशमुख के मार्गदर्शन में आज दोपहर को मनपा के सहायक आयुक्त गणेश सिप्पी की टीम ने तोड़ू कार्रवाई की, जिससे पूरे परिसर में हड़कंप मच गया। क्या किया आज, क्या है मामला? उल्लासनगर महानगर पालिके तर्फे जिजा माता हॉटेल मराठा सेक्शन ते उल्लासनगर रेल्वे स्टेशन पूर्व या रस्त्याच्या रुंदीकरणाचे काम हाती घेण्यात आले आहे। उल्लासनगर रेल्वे स्टेशन इथे रस्ता रुंदीकरणाची जी दुकानं बाधित होत होती त्यांना महापालिकेने यापूर्वीच नोटीस बजावली होती, तथापि सदर दुकानदारांनी स्वतःहून त्यांचे बांधकाम काढून घेतले नव्हते, त्यामुळे आज पोलीस बंदोबस्त घेऊन सदर ठिकाणी असलेल्या दुकानांचे वाढीव बांधकाम जे रस्त्याने बाधित होते ते निष्कासित करण्याची कारवाई करण्यात आलेली आहे। किती दुकानांवर कारवाई केली? एकूण आज 21 दुकानांवर कारवाई करण्यात आलेली आहे आणि यापुढे रस्ता रुंदीकरण लोकांनी काढून घेतल्यानंतर ही कारवाई सुरूच राहणार आहे। ओके।